आज हम बनाएंगे एक पॉटेड प्लांट। इसके लिए हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। इसके सेंटर से आप दोनों साइड से डिजाइन बनाने के लिए इस तरह से मार्किंग कर लें। यहां से भी नीचे से मार्किंग कर लें। 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से किया है, 1 सेंटीमीटर यहाँ से किया है, तो इस लाइन को आप यहाँ से मैच कर दें, यहाँ से मिला दें, इस लाइन को भी यहाँ तक मिला दें। इसके नीचे इसके पैरेलल एक और लाइन खींचेंगे नीचे। अब यहाँ से सीधी लाइन ऐसे, सीधी लाइन यहाँ से इस साइड से ऐसे। अब इसके ऊपर की साइड दोनों साइड से 1 सेंटीमीटर बाहर निकालेंगे लाइन, इधर से 1 सेंटीमीटर बाहर निकाल देंगे। अब इसको आपने यहाँ ऐसे ज्वाइन करना है, ऐसे इस तरह से। अब इस लाइन के सेंटर में यहाँ से ऊपर और नीचे की साइड आधा आधा सेंटीमीटर की इस तरह से डॉट डाल दें और यहाँ से इसका मुंह बनाएंगे पॉट का। यहाँ इसको ज्वाइन कर लिया, यहाँ से भी इस तरह से। अब जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उसको रब कर देंगे। इसके अंदर आप डिजाइन दे सकते हैं कोई भी, जहां पे इसका मुंह बना है उसके उसको भी डबल लाइन करेंगे। किनारे पे इसको कर्व करेंगे, ये ध्यान रखना है कि किनारे से इसको गोलाई देंगे। अब इसके अंदर हम प्लांट बनाएंगे। इसमें भी जो बैकग्राउंड से लाइंस हैं इसको हटा देंगे, पॉट की जो लाइंस हैं वो सब हटा देंगे, देखिए ओवरलैपिंग वाली लाइन भी हटा देंगे, वैसे ही कलर में भी हट जाएंगे अपने आप। नीचे से भी यहाँ से भी कर्व देंगे थोड़ा सा किनारों से। आप इस तरह से भी डिजाइन बना सकते हो। अब इसमें कलर करेंगे, पहले हम लीव्स में कलर करेंगे। येलो, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन तीनों ही कलर यूज करेंगे इसके लिए। और ध्यान रखें कि कलर आपका मर्ज हो जाना चाहिए। जैसे अब आपने इसकी बैक साइड वाली लीव्स बना ली है तो एक बार फाइनल टच जो ऊपर वाली लीव है उसके ऊपर देंगी। और इस कलर को इसी में मिक्स कर देंगे, मर्ज कर देंगे, इसमें दिखना नहीं चाहिए।
अब हम पॉट को कलर करेंगे। पॉट को कलर करने से पहले आप इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड कर लें। मैं यहाँ पॉट को रेड कलर से करूंगी। यहाँ पे कलर करते हुए ध्यान रखेंगे कि दूसरा कलर मिक्स ना हो। अब रेड कलर से इसमें डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, पर ये कलर सूखने के बाद ही करेंगे।